फ्रेंड वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 7 ऑफ एमएससी साइंस फॉर सर्विस। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। इन 1981 सुधा चंद्रन एन एकॉम्प्लिस्ड भरतनाट्यम डांसर लॉस्ट हर राइट फुट फॉलोइंग अ रोड एक्सीडेंट। 1981 में सुधा चंद्रन जो कि एक बहुत ही बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर है उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनका जो राइट लेग था वो खो दिया था उन्होंने, मीन्स एक्सीडेंट में वो खो चुका था। नो वन बिलीव्ड शी वुड एवर डांस अगेन। हाउएवर नॉट ओनली डिड सी डांस अगेन, सी आल्सो बिकेम अ टेलीविजन एंड फिल्म एक्टर एंड रैन हर ओन डांस स्कूल। किसी ने ये नहीं सोचा था कि किसी को यह विश्वास नहीं था कि वो अब कभी भी डांस कर पाएंगी, बट उन्होंने न केवल दोबारा डांस करा बल्कि एक टेलीविज़न स्टार बनी, एक फिल्म एक्टर बनी और ख़ुद का एक स्कूल भी, डांस स्कूल भी उन्होंने चलाया। थैंक्स टू हर डिटरमिनेशन एंड सिंपल डिवाइस नॉन एज द जयपुर फिट। उनके इस दृढ़ निश्चय के लिए हमें उनका थैंक्स करना चाहिए और एक सिंपल से डिवाइस का भी जिसका नाम है जयपुर फुट। तो व्हाट इज़ द जयपुर फुट, ये हम आगे पढ़ेंगे। द जयपुर फुट इज़ एन आर्टिफिशियल लिम्ब विद टू कॉम्पोनेंट्स, ए फुट पीस मेड ऑफ रबर वुड एंड अ सॉकेट ऑफ शैंक नाउ मेड ऑफ पॉलीमर्स। जयपुर फुट जो है एक आर्टिफिशियल लिम्ब है। आर्टिफिशियल लिम्ब का मीन है एक कृत्रिम अंग। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों के पैर नहीं होते हैं, ठीक है, या एक्सीडेंट में या किसी बीमारी की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं तो उनके नकली पैर लगा दिए जाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल लिम्ब कहलाते हैं। ये टू कंपाउंड्स में होते हैं। एक फुट पीस जो होता है वो रबर और वुड का बना होता है और दूसरा सैकेट और सैंक का जो कि आजकल पॉलीमर से बने होते हैं। द आइडिया वॉज कंसीव्ड बाय अ क्राफ्ट्समैन मास्टर रामचंद्र शर्मा। यह जो आइडिया था जयपुर फुट का वो कहाँ के जरिए आया था, एक क्राफ्ट्समैन थे, एक शिल्पकार थे जिनका नेम मास्टर रामचंद्र शर्मा है। हु शोड द फुट पीस दैट ही हैड फैब्रिकेटेड टू डॉक्टर पी के सेठी एंड हिज कलीग्स एट द सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज। उन्होंने यह जो फुट पीस है वो शो करा डॉक्टर पी के सेठी और उनके कलीग्स को, कहाँ पर, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में। द डॉक्टर रियलाइज इट्स पोटेंशियल एंड देयर आफ्टर ए टीम कंसिस्ट ऑफ डॉक्टर पी के सेठी एंड अदर डॉक्टर्स अलोंग द मास्टर रामचंद्र शर्मा। जब डॉक्टर ने रियलाइज करा इस फुट का कि भई ये वास्तव में यूज़फुल है और सबके लिए वास्तव में ये यूज़फुल रहेगा, इसकी क्षमता का जब उन्हें अंदाज़ा हुआ तो उनकी टीम ने, और उस टीम में कौन थे, डॉक्टर पी के सेठी और उनके जो दूसरे डॉक्टर्स थे, उन्होंने मास्टर रामचंद्र के साथ में मिलकर इस चीज़ को, इस फुट को डेवलप करा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में और तब यह एक जयपुर फुट के रूप में सामने आया 1968 में। कंपेयर टू अदर प्रोस्थेटिक द जयपुर फुट इज ईजी टू मैन्युफैक्चर एंड फिट। दूसरे कृत्रिम अंगों की बजाय जो दूसरे प्रोस्थेटिक थे, मीन्स जॉइंट वगैरह जो हमारे लगा दिए जाते हैं कोई अंग खराब होने पर, तो उनकी अपेक्षा जो जयपुर फुट था वो बहुत ही ईजीली बनाया जा सकता था और ईजीली फिट भी हो जाता था। इट अलाउ ए वाइड रेंज इन मूवमेंट टू द यूज़र हु कैन सिट स्क्वाइट स्टैंड रन क्लाइंब ट्रीज एंड पैडल बाइसिकल। और जिसके भी ये अंग लगता था वह उस व्यक्ति को बहुत कुछ करने दे सकता था, कई तरह के मूवमेंट उनको करवा सकते थे, जैसे कि वह सिट कर सकता था, स्क्वाइट स्टैंड रन क्लाइंब ट्री एंड बाइसिकल के पैडल भी मार सकता था। इट इज ऑल्सो मोर अफोर्डेबल दैन अदर प्रोस्थेटिक। यह जो फुट था जयपुर फुट था वो बहुत ही अफोर्डेबल था, ईजीली मिल जाता था बजाय दूसरे प्रोस्थेटिक के। मोरेवर द फुट इज फिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय डॉक्टर मेहता इन 1975। यह जो फुट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लगाया जाता था जिसकी स्थापना डॉक्टर मेहता ने करी थी 1975 में। कौन सी संस्था थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। ओके, इन रिसेंट ईयर्स द BMVSS हैज़ बीन प्रोवाइडिंग मोर देन 25,000 आर्टिफिशियल लिम्स एवरी ईयर, मेकिंग इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिम्ब फिटमेंट। अच्छा,
भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति मींस BMVSS जो है वो हर साल 25,000 आर्टिफिशियल लिम प्रोवाइड करवाती है और ये वर्ल्ड की लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बन रही है धीरे धीरे इस लिम फिटमेंट के लिए. इट हैज़ आल्सो हेल्ड ऑन द स्पॉट आर्टिफिशियल लिम फिटमेंट कैंप्स इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, सूडान, जैम्बिया, जिम्बाब्वे एंड कोलम्बिया. अच्छा, यह जो विकलांग सहायता समिति है, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, यह स्पोर्ट आर्टिफिशियल लिम्ब को भी लिम्ब के भी कैंप लगा रही है. हमारी ही कंट्री में नहीं बल्कि दूसरी अदर कंट्रीज़ में भी यह कैंप्स लगाती है. द BMVSS इज कोलोबरेटिंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द जयपुर फूड एंड अदर प्रोडक्ट थ्रू टेक्नोलॉजी. जो ये BMVSS ऑर्गेनाइजेशन है वह कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों का सहयोग कर रही हैं ताकि ये जयपुर फूड को और इम्प्रूव कर सके और दूसरे अदर प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव कर सके न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए. द जयपुर नी इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग नी जॉइंट विच बैंड लाइक अ नेचुरल जॉइंट. जो जयपुर नी है, ठीक है, ये जो जॉइंट है वो भी एक नेचुरल जॉइंट की तरह ही है. वॉज डेवलप्ड इन कोलाब्रेशन विथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. यह चीज़ जो है वो डेवलप करी गई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग के जरिए, जिसे हम स्टैनफोर्ड जयपुर नी के नेम से भी जानते हैं. इट वॉज रेटेड अमंग द 50 बेस्ट इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन इन 2009 और 2009 में वर्ल्ड टाइम मैगजीन के जरिए इसको 50 बेस्ट इन्वेंशन में से एक इन्वेंशन घोषित किया गया था. द BMVSS इज आल्सो वर्किंग विथ ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट थ्रू द यूज़ ऑफ न्यू मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी. अच्छा, ये जो BMVSS है, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है, वो कई ऑर्गेनाइजेशनों के साथ में वर्क कर रही है, जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इनके साथ ये सहयोग करती हैं ताकि ये इन प्रोडक्टों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके न्यू टेक्नोलॉजी के उपयोग में लाके. द जयपुर फूड इज इंडीड एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी कंबाइनिंग विद फिलैंथ्रोपी. जो जयपुर फूड है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें परोपकार तो है ही और टेक्नोलॉजी भी मिक्स है. द ईयर 2001 saw a massive earthquake in Gujarat which killed about 20,000 people and led to widespread devastations of villages. Many areas were left without power. This inspired Mansukh Bhai Prajapati, an innovative potter who had designed a clay water filter to come up with a refrigerator that could work without electricity. और 2001 में जो है एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था गुजरात में, जिसमें ऑलमोस्ट 20,000 पीपल किल्ड हो गए थे और सब तरफ तबाही सी मच गई थी और कई जगहों पर जो थी पावर ऑफ हो गई थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. तो इस बात ने मनसुख भाई प्रजापति को प्रेरित करा, जो कि एक इनोवेटिव पॉटर हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले एक क्ले वाटर फिल्टर बनाया था, अब उन्होंने एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाने के बारे में सोचा. एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया जो कि मिट्टी से बना होता था और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो वर्क करता था. द रेफ्रिजरेटर इज मेड ऑफ क्ले विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉडस्ट एंड सैंड विच मेक इट पोरियस. दिस मेक द इंटीरियर्स कोल्ड. यह जो रेफ्रिजरेटर है वो क्ले का बना होता था जिसमें कॉम्बिनेशन था सॉडस्ट का और सैंड का, जो कि इसे पोरस बनाती थी, मीन्स छेद वाला, मीन्स जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, इस तरह का वो बना देती थी, छन्ने वाला. दिस मेक द इंटीरियर्स कोल्ड. और इस रीजन से यह जो है वो अंदर से ठंडा रहता था रेफ्रिजरेटर. द रेफ्रिजरेटर हैज़ बीन नेम्ड मिट्टी कूल. इस रेफ्रिजरेटर का नेम मिट्टी कूल रखा गया. इट्स नॉट ओनली कीप वाटर कूल बट कैन स्टोर मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल. द लेटर रिमाइंड फ्रेश अप टू ए वीक इनसाइड द फ्रिज. यह जो मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर था वो केवल पानी को ही ठंडा नहीं करता था बल्कि इसमें मिल्क, वेजिटेबल्स और फ्रूट वगैरह भी हम रख सकते थे. द लेटर रिमाइंड फ्रेश अप. और ये जो रेफ्रिजरेटर था उसके अंदर एक हफ्ते तक जो भी चीज़ रखी जाती थी वो फ्रेश ही रहती थी. मिट्टी कूल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवेपोरेशन. अच्छा, ये किस नियम पर काम करता था यह रेफ्रिजरेटर? यह नियम था वाष्पीकरण का, मीन एवेपोरेशन का. ए कवर्ड चैम्बर ऑन टॉप स्टोर्स वाटर. द वाटर पेरक्लोट्स डाउन द साइड एंड एवेपोरेट स्लोली.
जो ऊपर का कवर्ड चैम्बर होता था टॉप में, वहाँ पर वाटर स्टोर होता था और वो वाटर धीरे धीरे नीचे की तरफ आता था और एवेपरेट हो जाता था। दिस रिमूव हीट फ्रॉम इनसाइड एंड कीप द चैम्बर कूल। इस तरह से जो अंदर की हीट थी वो निकल जाती थी और अंदर चैम्बर कूल होता जाता था। ए टैप इन फ्रंट ऑफ द चैम्बर कैन बी यूज टू ड्रॉ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अच्छा, जो फ्रंट में एक टैप लगा हुआ होता था चैम्बर के, वह वाटर ड्रिंक करने के यूज़ में आता था। टू लोअर चैम्बर स्टोर फूड, और टू लोअर चैम्बर थे नीचे की तरफ जिसमें फूड रखे जाते थे। मिट्टी कूल वर्क्स बेस्ट व्हेन प्लेस्ड इन अ ड्राई वेल वेंटिलेटेड प्लेस वेयर एवेपोरेशन इज फास्टर। मिट्टी कूल उस जगह पर ज़्यादा वर्क करता था, अच्छे से वर्क करता था, बेस्ट तरीके से, जहाँ पर मतलब प्लेस ड्राई हो, वेल वेंटिलेटेड हो और एवेपोरेशन ईजी से और तेज़ी से वहाँ पर होता हो। द क्ले फ्रिज इज़ अ यूजफुल प्रोडक्ट फॉर पीपल इन रूरल एरियाज। जो क्ले फ्रिज था, मिट्टी से बना हुआ जो रेफ्रिजरेटर था, वो एक बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट बना है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में, मीन्स विलेजेस में। फॉर्मर प्रेजिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पहले प्रेजिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने मनसुख भाई को बहुत ही अच्छे से स्वागत करा था और उन्हें एक ट्रू साइंटिस्ट का नाम दिया था फॉर हिज इन्वेंशन यूजिंग लो कॉस्ट इजीली अवेलेबल मटेरियल्स। इस इन्वेंशन के लिए जो कि उन्होंने लो कॉस्ट में बनाया था और इजीली मटेरियल्स जो कि अवेलेबल हो जाते थे उन चीज़ों से ये बनाया गया था। ए क्लाउड ऑफ स्मोक फ्लॉट आउट ऑफ रामा देवी हट एज शी लाइट अप हर मेक शिफ्ट चूल्हा और स्टोव इनगल्फ बाय द एक्रेडिक स्मोक फ्रॉम बर्निंग वुड। रामा देवी की जो हट थी उसमें से एक बड़ा सा बादल धुएं का वह निकलता था जब भी वो अपने चूल्हे को खाना बनाने वगैरह के लिए जलाती थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्रेडिक स्मोक फ्रॉम बर्निंग वुड बोथ रामा एंड हर यंग सन कफ इंसेंसली एज सी प्रिपेयर्स चपाती फॉर ब्रेकफास्ट। जब भी वो खाना बनाते थे, चपाती वगैरह बनाते थे, प्रिपेयर करती थी, तो उनके और उनका जो बेटा था रामा देवी का, वो कंटिन्यूसली उनको खांसी आने लगती थी। ओके, रामा इज अमंग मिलियंस ऑफ इंडियन वूमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज हु हैव बीन इनहेलिंग एंड सेलिब्रेटिंग ऑन स्मोक वाइल कुकिंग ऑन चूल्हा दैट बर्न सॉलिड फ्यूल्स लाइक वुड काउडंग और क्रॉप वेस्ट। रामा देवी भी उन लाखों लोगों में से, उन लाखों महिलाओं में से एक है जो कि अनजाने में ही इस चूल्हे का जो स्मोक होता है वो अपने अंदर ले रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो चूल्हे से निकलने वाला स्मोक है वो एक सॉलिड फ्यूल के जरिए निकलता है, जैसे कि वुड है, काउ डंग है और क्रॉप वेस्ट है। व्हेन इनहेल्ड रेगुलरली द स्मोक कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक लंग इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस एंड हार्ट डिजीज। यदि कंटिन्यूसली यह जो स्मोक है हमारी बॉडी के अंदर जाता रहता है तो इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक लंग इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है एंड हार्ट डिजीज भी हो सकती है। मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय इनडोर एयर पॉल्यूशन। मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं इंडिया में, लाखों लोग ऐसे हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं इस एयर पॉल्यूशन से। एंड द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस पॉल्यूशन इज़ द स्मोक फ्रॉम चूल्हा। और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है स्मोक का जो कि चूल्हे से निकलता है। द बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल इन द चूल्हा आल्सो रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एज वेल एज ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स सूट। ऑल दिस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, जो ये चूल्हे से निकलने वाला जो सॉलिड फ्यूल के कारण जो गैस निकलती है वो ग्रीन हाउस गैसेस निकालती है, जैसे रिलीज करती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स भी निकलते हैं इससे, और यह सब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न भी है। Since the 1980, the government of India has been working to bring about improvements in the traditional chulha under the National Plan for Improved Chulha. 1980 में government of India ने work करना start करा किस चीज़ के ऊपर, जो हमारा पुराना traditional चूल्हा है जिससे smoke निकलता था उसको improve करने के लिए under the National Plan for Improved चूल्हे के जरिए। Corporate house, non-profit groups and innovative individuals have been trying to develop models that are long
इन स्मोक एंड कोस्ट। कई ऐसे लोग थे जैसे कि कॉरपोरेटर हाउस, नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स और इनोवेटिव इंडिविजुअल, ये सब क्या थे, ट्राई कर रहे थे ऐसा मॉडल बनाने के लिए, ऐसा चूल्हा बनाने के लिए जिससे धुआं भी ना निकले, धुआं कम निकले एंड इसकी लागत भी कम हो। लो स्मोक अल्टरनेटिव लाइक द गृह लक्ष्मी, यहाँ पे कई तरह के स्टोव के नेम दिए गए हैं, देखिए जैसे गृह लक्ष्मी है, फेंजल है एंड ग्रीनवे स्मार्ट स्टोव हैव इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ दोज यूजिंग देम, उनकी हेल्थ में इम्प्रूव हुआ जो कि इन चीज़ों को यूज़ करने लगे। मीन वाइल एफर्ट टू डिज़ाइन अ ट्रूली स्मोकलेस चूल्हा आर स्टिल ऑन, सम डे पेरहैप्स यू कुड कम अप विद अ सजेशन। तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट है, इसको अच्छे से रीड करिए एंड लर्न करिए। थैंक यू।